हमारी योजना हमारा विकास के तहत नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से वे अपने ग्राम सभा में विभागों की योजनाओं का शिविर लगाकर उसका क्रियान्वयन कर सकें। जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कार्यशाला में गांवों में सरल एवं ठोस पदार्थों के प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपाय, बिजली विभाग के द्वारा गाँव में दिए जाने वाले विद्युत कनेक्शन और बिलिंग के संबंध में तथा क्षय रोग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए योजनाओं की जानकारी ग्राम प्रधानों को दी गई। इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, तो कार्रवाई और नहीं तो होगा, ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जब उनको पता लग गया कि वे डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट सीधा डीएम साहब के कांटेक्ट में हो, सीडीओ के कांटेक्ट में हो, सीधा वो उसमें कार्रवाई करेंगे, तो अपने आप वो बना के देंगे। यही तरीका है मेरे हिसाब से, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो कितनों को मैं निकालूंगा, जैसे कल लेडी साहब कह रहे थे कि सारे एसएचओ निकल जाएंगे, तो वही होगा कि सारी टीम ही बाहर हो जाएगी। तो बेटर ये है कि हम लोग अपने जितने प्रेशर पुल्स यूज कर सकते हैं मिलकर लड़े, क्योंकि जो 20-20 साल से व्यवहार बन गए, जो सोच बन गई है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों को पहचानिए जिसमें आप अपने गांव के जो नागरिक हैं उनकी मदद कर सकते हैं। ये वर्कशॉप का ये मतलब है। वो कैसे समझ आएगा, जब आप कभी विकास भवन में हमारे साथ बैठेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे ब्लॉक पे जाके, तो आपको जानकारियां होंगी यार इतनी स्कीमें हैं जिसमें प्रधान इतना रोल प्ले कर सकता है। तो जब आप उसको यूज करेंगे डे इन डे आउट, क्योंकि कई जगह ये फिल्टर होके कई स्टडीज भी आई है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन जो प्रधान का इंस्टीट्यूशन है उसको दो तीन चीजों में बांध के रख दिया है कि नाली बनानी है, करंजे बनाने हैं, या इन चीजों के बाहर हम लोग कई बार नहीं सोच पाते। सबके लिए नहीं बोल रहा, बहुत छोटे के स्टडीज बिल्कुल सर। आप मेरे यहाँ जैसे मान लो 15,000 पॉपुलेशन है, ये चल रहा है मॉडल कि वैक्सीनेशन का पूरा कैंप लगा के सैचुरेट कर दीजिए, आप भेजिए वहां से, आप पेंशन के लिए भेज दीजिए। आज यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी, मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव संवेदनशील अधिकारी गोरखपुर में, लेकिन वो उस जगह अगर नहीं पहुंच पा रहे तो हम एक एक दिन करके करते जाए। तो वो जितना आप लोग हमसे संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे, और मैं बहुत खुश हूँ कितने खुशी से उठ के आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बात करते हैं। अभी आपका क्वेश्चन मैं लेना यहाँ से जो था, तो ये एक बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव शुरुआत हुई है आपकी प्रधानी की, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी आपके साथ बैठूं, आऊं आपके गांव में, आपके साथ बैठ के खाना खाएं, कोई काम करें। बात आपकी सही है, लेकिन पंचायत राज अधिनियम में यदि शौचालय यदि बना हुआ है तो ग्राम सभा अगर कहती है कि सामुदायिक शौचालय का भुगतान आप मत करिए, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं, रीजन तो बताएंगे आप ना, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब समुदाय शौचालय बना हुआ है, कहीं से ईटा आया हुआ है, सीमेंट आया, तो फर्स्ट यह तो आपकी प्रायोरिटी बनती है या नीति भी कहती है कि आपको उसका भुगतान करना चाहिए। निदेशालय और शासन को उसे अवगत कराएंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय सब सर्वमान्य होगा, समझ रहे हैं। इसी कोई आपत्ति हो तो हमें लिखित में दे, सर को लिखित में दे, डीएम साहब की तरफ से आपका जो भी है वो ऊपर भेज देंगे, ठीक है। या खांसी आ रही हो, बलगम में थोड़ा सा खून आ रहा हो, या फिर पिंक कलर का बलगम आ रहा हो,
बुखार के साथ उसको रात में पसीना होता हो, भूख नहीं लगता हो और वजन में बहुत तेजी से कमी आ रही हो, तो ये टीबी के संभावित मरीज हो सकते हैं। तो इनको प्लीज अपने जो आपके आसपास के जो स्वास्थ्य सीएचसी पीएचसीज हैं, इन ऐसे संभावित मरीजों को वहाँ पर भेजें ताकि उनका पहचान हो सके कि वो टीबी से ग्रसित हैं, और अगर वो टीबी से ग्रसित पाए गए तो उनका इलाज बिल्कुल ही मुफ्त होगा। और नोट से नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, विचार आपके मांगे जा रहे हैं। एक दे दे, अच्छा, ये कोई मजबूरी नहीं है, मेरा ये शौक है। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे से हेल्प हो जाए या जितना मैं किसी के काम आ जाऊं उतना अच्छा है। रिटायरमेंट के बाद में क्या कर पाऊंगा कोई नहीं जानता। प्रधान, मुझे कोई वो नहीं बनाएगा सभासद, आप इतने बड़े महान लोगों से मुझे क्यों तुलना कर रहे हैं जी? मेरा नाम नंबर है 9450963768। अपनी जो भी प्रॉब्लम इस तरह की रीमैप से संबंधित है, मुझे अपने पैड पर आप, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने पैड पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं कंसर्निंग की जगह पहुंचवा दूंगा। मुख्य बिंदु है वो पंचायती राज विभाग से है, कार्य योजना कैसे बननी है, जीपीडीपी और तरल और जो हमारा ठोस प्रबंधन है इस पर एक अभी तक क्लास हो चुकी है, पूरा एक एक्सपर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ जो बिजली विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, बिजली विभाग को लेकर जो समस्याएं थी वो बताया गया है, और जो हमारा एक क्षय रोग को लेकर भी जो गांव-गांव में कैसे चेतना बढ़ानी है उसके लिए डॉक्टर साहब ने आके प्रेजेंटेशन दी है, और अभी जो होगी वो वित्त आयोग पे जो हमारे फाइनेंसेज आते हैं उस पर होगी, और जो प्रधान जी के रोल है उसके बारे में, तो इस तरह से विस्तृत कार्यशाला चल रही है, जो जो दिशा निर्देश शासन से आया उसको फॉलो करते हुए टाइम टेबल बनाएंगे। क्या मकसद है सर इसका? मकसद ये है कि जो हमारा एक तो संवाद हो, डायरेक्ट संवाद हो गांव में, दूसरा जो नए प्रधान अभी चुन के आए हैं उनमें जोश है, जज्बा है काम करने का, इनको जिस दायरे में काम करना है, क्या ब्लॉक पे नियम होते हैं उनसे अवेयर कराना, और सरकार की जो जितनी भी स्कीम चल रही है, योजनाएं चल रही है, उनके बारे में बताना, ताकि ये लोग सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे जाके उसको लाभान्वित करा सकें।